न्यू वीडियो, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल करोना पढ़ाई में। और आज हम आ चुके हैं 600 के साइंस के साथ। और आज के हमारे चैप्टर का नाम है मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। और आज हम करने वाले नॉन लीनियर मोशन के बारे में, हम नॉन लीनियर मोशन के बारे में पढ़ने वाले। लास्ट पार्ट में हमने लीनियर मोशन के बारे में पढ़ा था। चलिए पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले आपको एक मस्ट चीज़ जाननी चाहिए, नॉन लीनियर मोशन होता क्या है। द मोशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड नॉन लीनियर मोशन। ऐसी चीज़ें जो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन लीनियर मोशन कहते हैं। अभी नॉन लीनियर मोशन में भी बहुत अलग अलग टाइप्स होने वाले हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अभी नॉन लीनियर मोशन का मतलब तो अभी आपने जान लिया। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट मूव इन द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड नॉन लीनियर मोशन। नॉन लीनियर मोशन मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अभी यहाँ पे क्या होगा कि जो नॉन लीनियर मोशन है वो कुछ कुछ टाइप्स का होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, ऑस्किलेटरी मोशन के हिसाब से। तो अभी आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ऑस्किलेटरी मोशन का आपको बेस्ट एग्जांपल मिलेगा स्विंग। द स्विंग ऑलवेज कम्स बैक फ्रॉम वन एंड टू एन अनदर एंड। इट टेक्स अबाउट द सेम टाइम टू रीच फॉर ईच स्विंग और ऑस्किलेट। दिस मूवमेंट ऑफ स्विंग इज कॉल्ड ऑस्किलेटरी मोशन। सिमिलरली द मूवमेंट ऑफ एन पेंडुलम क्लॉक, द विंग्स ऑफ अ बर्ड, द नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन, द वाइब्रेटिंग डायफ्राम ऑफ अ तबला और ड्रम आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ ऑस्किलेटरी मोशन। अभी ऑस्किलेटरी मोशन एक सिंपल चीज़ है। अभी जब भी यहाँ पे आप देखोगे पार्क में, अभी ये है मेरा झूला और बीच में है उसकी झूले की क्या कहते हैं सीट। अभी सीट यहाँ पे है, झूले की सीट यहाँ पे बन चुकी है। पर अभी जब यहाँ पे कोई एक लड़की आके बैठ जाती है, अभी एक लड़की आई इस पे बैठी और उसने झूला करना शुरू कर दिया, तो वो एक एंड में ऐसे जाएगी और फिर ऊपर जाने के बाद वो वापस पीछे आएगी, यहाँ पे ही वापस वो आएगी और फिर वो पीछे जाएगी, या वो सीधा पीछे जाने के बाद आगे आएगी, पीछे जाएगी, आगे आएगी, पीछे जाएगी। ये मोशन कंप्लीट होते रहेगा, पर एवरी पॉइंट में जब वो आगे पीछे होती है तभी वो इस जगह पे जहाँ पे जो झूला था वो यहाँ पे वहाँ पे वापस आता ही है। और ये कंपलसरी होगा इस मोशन में। तो अगर आपने पेंडुलम देखा होगा उसमें भी ये सेम चीज़ होती है। पेंडुलम में भी ये वापस आते रहता है एक जगह पे, वो एक जगह से हिलता है तो वापस वो जगह पे वापस आ जाता है। तो ये मूवमेंट सब में पाई जा सकती है। अभी ये चीज़ क्या होती है, जब मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ बर्ड्स का। अभी यहाँ पे एक बर्ड है जो उड़ रहा है। अभी आप समझ लो ये ड्राइंग का एक बर्ड है। तो इस बर्ड में क्या होगा, आप यहाँ पे सबसे पहले देखोगे जो उसके विंग्स है, जो उसके विंग्स है वो यहाँ पे, अभी ये समझ लो एक रफ बर्ड डायग्राम है। अब जो उसके यहाँ पे जो विंग्स दिए गए हैं वो एक पॉइंट पर आके ऐसे होते हैं, ठीक है, उनके विंग्स ऐसे सीधे होंगे तो वो ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, वो ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे। तो इसके कारण वो आगे बढ़ सकते हैं, इस मूवमेंट के कारण वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे भी हम ऑस्किलेटरी मोशन ही कहेंगे। वो वापस आगे पीछे होता है और वो वापस उसी स्पॉट पे आ जाता है। स्विंग मशीन में भी जो नीडल होती है उसका भी वो सेम काम है। जो वाइब्रेटिंग डायफ्राम होता है एक तबला में, वो भी सेम चीज़ करता है, वो भी आगे जाके उसी जगह पे वापस आ जाता है पीछे। ऑस्किलेटरी मोशन के ये सारे हो गए हैं एग्जांपल्स। अगर आपको और ऑस्किलेटरी मोशन के एग्जांपल्स पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पेज के ऊपर। द मोशन ऑफ अ बॉडी दैट इज ऑस्किलेटिंग दैट इज स्विंगिंग बैक एंड फॉरथ इज कॉल्ड ऑक्सिलरी मोशन। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सिलरी मोशन के और बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। अभी सबसे पहला एग्जांपल हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, लीनियर नॉन लीनियर मोशन के यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए।
जैसे कि मैंने आपको कहा था, बर्ड के जो विंग्स होते हैं ऊपर, यहाँ पे जो डायग्राम दी गई है यहाँ पे बर्ड के विंग्स पहले ऊपर है, फिर वो थोड़ा सा नीचे आता है, फिर वो पूरा नीचे चले जाते हैं, फिर वो वापस पूरा नीचे चले जाते हैं, और फिर यही चीज़ वापस प्रोसेस रिपीट होती है यहाँ पे। अभी आपको ये तो अभी जो यहाँ पे जो पिक्चर है, दो जना हवा में उड़ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं एक्रोबैट्स। एक्रोबैट्स भी ये सेम काम करते हैं, इनका भी एक ऑक्सिलरी मोशन हम कह सकते हैं, क्योंकि उनके जो स्विंग्स होते हैं वो भी एक जगह से वापस जाके उसी जगह पे वापस आते हैं। बस इनका एक काम रिस्की होता है, इन्हें एक दूसरे के झूले से चेंज करते रहना होता है। अभी देखो, ये पहले ये झूले पे थी, अभी इसका जो पैर है वो यहाँ पे देखो कितने नीटली, कितने अच्छे से उसका पैर वहाँ पे अटका है, और जैसे ही वो इसके हाथ को टच होगी वैसे ये इसे वापस घूमेगा, और आगे वाला एक वहाँ पे और एक झूला रहेगा, वो उसको फेंकेगा और वो वापस जाके और एक झूला पकड़ लेगी। और अभी हम क्या देखते हैं यहाँ पे, पेंडुलम क्लॉक के बारे में, जैसे आपको बताया था पेंडुलम क्लॉक के भी आगे पीछे। अभी यहाँ पे एक पेंडुलम क्लॉक दिया गया है, इसकी तो डायग्राम मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सबसे पहले ही दिखाया गया है पेंडुलम क्लॉक है इधर बीच में। पेंडुलम क्लॉक पहले ये डायरेक्शन में जाएगा, ये डायरेक्शन में गया, फिर वो वापस ये डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे रुकेगा, फिर पूरा ये डायरेक्शन में जाएगा, फिर पूरा यहाँ पे आएगा। टू एंड फ्रो की जो मोशन होती है हम इसे कहेंगे ऑक्सिलरी मोशन। ऑक्सिलरी मोशन के बारे में अगर समझ गया हो तो अभी आपको यहाँ पे क्या गया है, यहाँ पे यूज योर ब्रेन दिया गया है। यूज योर ब्रेन में आपको इतनी ही चीज़ करनी है, आपको बताना कि ऐसे कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें ऑक्सिलरी मोशन दिखाया जाता है। मुझे तो गिटार लगता है, मुझे सितार भी लगता है, क्योंकि जब आप स्ट्रिंग खींचते हो तभी स्ट्रिंग वो आगे पीछे जाके वाइब्रेट होती है और फिर वापस उसी जगह पे आ जाती है। ड्रम का जो ऊपर का जो जगह होती है वो भी वैसे ही काम करती है। और हम और क्या कह सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो ऐसे काम करेगी दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हो गई ऑक्सिलरी मोशन के बारे में। नॉन लीनियर मोशंस के बारे में हम बहुत और भी वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और कॉमेंट्स में ये ज़रूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।